नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वायरल वीडियोस पे। दोस्तों, ये मेरा प्राइस सेक्शन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस और डाले हैं, आपने अगर उनको नहीं देखा तो आप उनको जाके देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जिनके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन स्टैंड अलोन बेसिस आपको ये पैटर्न दिखें तो आप ले सकते हो। लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको मालूम होने ज़रूरी है, तो वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी आपके काम आएगा आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के डिसीजंस में, और आपको काफ़ी इससे अच्छे डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम लोग दोस्तों थोड़ा सा थ्योरी में समझते हैं कि ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं, कैसे हैं। उसके बाद हम लोग उनको रियल चार्ट्स पे देखेंगे कैसे कैसे बने, कैसे कैसे काम किया। तो 5 से 6 अलग अलग स्टॉक्स का एग्जांपल लेके इसको हम सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको लर्निंग के लिए है, इसमें कोई भी आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और कोई भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो मेरा चैनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम लोग स्टॉक मार्केट और काफ़ी सारे स्टॉक से लर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ को लेकर आते रहते हैं। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी मैं करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो सीधा नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ इस तरह कामकाज करता है। लेकिन जब उसका कहना है कि बॉटम आ जाता है तो वहाँ से उसके अंदर एक हमें शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन कभी भी कोई स्टॉक होता है वो वी शेप तरीके से ऊपर नहीं जाता, उसके अंदर हमेशा जब भी उसको कोई सस्टेनेबल अपमूव देना होगा तो या तो नीचे आके वहाँ पर कुछ समय बिताएगा, एक रेंज बाउंड तरीके से वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, जहाँ पर बड़े बड़े स्मॉल को खरीदेंगे, जिसको हम एक्यूमुलेशन स्टेज भी कहते हैं, और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। अदरवाइज जनरली जो देखा जाता है, कोई भी सस्टेनेबल अपमूव तब आता है जब कोई स्टॉक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जैसा एक रिलायबल पैटर्न बनाता है। तो 100 में से 90 स्टॉक जो काफ़ी अच्छे डाउन ट्रेंड के अंदर होते हैं, जब भी उनको एक सस्टेनेबल अपमूव देना होता है, इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक नीचे आएगा, एक बॉटम बनाएगा, वहाँ से वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा टाइम बाद वो वापस नीचे आएगा, कहीं ना कहीं उसी बॉटम के आसपास आएगा, और वहाँ पर अगर उसको दोबारा वो टेस्ट करके तोड़ता नहीं है तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं फिर एक सस्टेनेबल अपमूव दे सकता है। तो आपको जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो होता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इन पैटर्न्स को जब आप सीख लोगे तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जनरली जब भी स्टॉक ने अपमूव देना है तो या तो वो कंसोलिडेशन कर रहा होगा तो ही वो अपमूव देगा। अगर कंसोलिडेशन के बगैर आपको सीधा कोई स्टॉक ऐसे अपमूव दिखाई देता है जैसे वी शेप, तो वो कभी भी पैटर्न जो है काम नहीं करते, और वो स्टॉक वापस नीचे ज़रूर आएगा और वो मूव फेक होगा। तो आपको जब भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, आपको मालूम होगा वापस नीचे आएगा, डबल बॉटम बनाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी बार जब वो बॉटम बनाएगा वहाँ से शार्प रिकवरी दे। अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे ये रिकवरी होती है, तो आपको वहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या आपको अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो आपको जब भी किसी स्टॉक में डबल बॉटम या डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे, आप उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अपना बाय या सेल का ट्रेड ले सकते हो। इसी तरह दोस्तों, जो डबल टॉप होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं कि कोई स्टॉक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, मान लीजिए काफ़ी लंबे अप ट्रेंड के बाद उसका एक टॉप बनता है, तो वहाँ से सीधा वो नीचे नहीं आ जाएगा, या तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स उसको रेंज बाउंड करके माल को बेचेंगे काफ़ी लंबे समय के लिए, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी ये फेज़ हो सकती है, और उसके बाद वो नीचे आएगा। या फिर जनरली क्या होता है, वो स्टॉक ऊपर जाता है फिर वहाँ से थोड़ा करेक्शन देता है, वापस एक दफ़ा ऊपर जाके उसी टॉप को कहीं ना कहीं टेस्ट करता है, और फिर वहाँ से अगर दोबारा उसको रिजेक्शन मिलता है तो फिर वो वहाँ से काफ़ी बुरी तरह नीचे आ जाता है। और अगर इस टॉप को दूसरी दफ़ा में तोड़ देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे सपोर्ट के साथ, तो फिर ये एक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तरह माना जाता है। तो इसको हम कहते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। तो आपको देखने को मिला होगा जब ये इसने डबल बॉटम बनाया तो यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा बन गया। तो आपको चार्ट्स पे डब्ल्यू को आइडेंटिफाई अगर आप कहीं पर कर पाओ तो इसके अगर रूल्स भी होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, तो ये एक अप ट्रेंड की निशानी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ रूल्स जो होते हैं उनमें से पहला रूल दोस्तों ये होता है कि अगर स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है तो यहाँ पे जब अपमूव आएगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्टेड मूव होगा। आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे जब अपमूव आए उसमें वॉल्यूम्स को चेक करना है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट आपने एक दफ़ा यहाँ पे कर दिया तो आपको अगर दूसरी अपनी कॉस्ट को एवरेज करना है या बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट को, तो आपको जब उसने डब्ल्यू का जो पिछला हाई था इस पॉइंट को जब वो तोड़ देगा तो ही आपको इन्वेस्टमेंट को दोबारा अपनी एड ऑन करना चाहिए। तो जनरली मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी स्टॉक में तो मैं पहली दफ़ा उसको डबल बॉटम बनाने के बाद करूंगा, दूसरी दफ़ा मैं उसको जब वो यहाँ पे इसको पॉइंट को तोड़ देगा तो फिर मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि स्टॉक नीचे आता है ऊपर जाके दोबारा डब्ल्यू बटन बनाता है, बट कई बार वो क्या करते हैं दोबारा ऊपर जाके तीसरी बार नीचे आते हैं एक ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए। तो जितनी दफ़ा ये बॉटम बनाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी बॉटम की, और डबल बॉटम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है ट्रिपल बॉटम। तो किसी स्टॉक में आपको अगर ट्रिपल बॉटम दिखाई दे तो आपको आंख बंद करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, अगर आपको वहाँ पर एक वॉल्यूम सपोर्टेड अपमूव आता हुआ दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और ट्रिपल बॉटम के बाद स्टॉक ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाके अपने ऑल टाइम हाइस को टेस्ट करेगा। इसी तरह दोस्तों ट्रिपल टॉप्स भी होते हैं, तो ट्रिपल टॉप भी कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, एम नहीं बनता उनमें, ट्रिपल टॉप बनते हैं, फिर वो स्टॉक काफ़ी बुरी तरह नीचे आया हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको इन पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देना है, इनके कुछ रूल्स हैं अब मैं उनको आपको लाइव चार्ट्स में जाके बताऊंगा अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, तो फिर हम उनको सीखेंगे कैसे आपको इनके अंदर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप देख सकते हो पहला जो स्टॉक है यहाँ पे कोल इंडिया का स्टॉक है, ये काफ़ी सालों से डाउन ट्रेंड के अंदर था, इसने अपना एक मेजर
मेजर बॉटम बनाया था कहीं ना कहीं मार्च के महीने में लगभग 120 रुपये के लेवल पे। तो आपने देखा कि ये नीचे आया और यहाँ से एक शार्प अप मूव दिया इसने। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर कोई सीधा अप मूव दे देगा स्टॉक बिना वहाँ पे कोई भी माल को खरीदने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, अगर रेंज बाउंड नहीं होता वो स्टॉक, तो फिर वहाँ से वो अप मूव फेल हो जाएगा। तो वापस नीचे आया। जब वो नीचे आया आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब दोबारा उसने अप मूव बनाया तो नीचे आप देखिए वॉल्यूम्स जो है ग्रीन साइड पे कितनी हाई है, यानी वॉल्यूम सपोर्टर दोबारा यहाँ से इसको यहीं पर सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अभी दोस्तों इसकी जो नेक लाइन है जिसको हम कहते हैं वो ये वाली है, यानी कहीं ना कहीं 150 रुपये का लेवल। तो पॉसिबिलिटी दोस्तों कुछ इस तरह है कि ये स्टॉक अगर 150 को तोड़ देगा तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा, फिर इसका टारगेट जो होगा ये जो पूरा डब्ल्यू इसने बनाया उसका कहीं ना कहीं पीक रहेगा। यानी ये स्टॉक अगर इसको तोड़ देगा 150 को तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकता है 180 के आसपास, और उसके बाद हो सकता है और ऊपर भी चला जाए। अगर ये यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिलता है तो फिर दोस्तों दोबारा कहीं ना कहीं वापस 120-122 के लेवल के आसपास आएगा, और फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ पे इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, क्योंकि इसने अपने डबल बॉटम को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और अगर यहाँ से दोबारा ये कह लीजिए कि सपोर्ट लेता है तो इस अटेम्प्ट में ये यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, तो इस पैटर्न को कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहेंगे हम, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो इस लेवल को इस बार रिस्पेक्ट नहीं करेगा और इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। तो आपको अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो कोल इंडिया के स्टॉक में फ्रेश, तो आपको देखना पड़ेगा ये इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं 150 को। 150 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर, अच्छा वॉल्यूम सपोर्टेड मूव मिलने पर ही आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और फिर आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है 180 और उसके ऊपर के लेवल्स का। अगर ये यहाँ से आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देता है तो आपको एक टर्म एक शॉर्ट ट्रेड बनता है जो शॉर्ट टर्म का होगा, कहीं ना कहीं आपको 120-125 का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई भी इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई दे तो आप वापस दोबारा ट्रेड ले सकते हो। तो हम देखते हैं कुछ और स्टॉक्स के अंदर ये पैटर्न कैसे कैसे बने। पहले हम देखते हैं मारुति सुजुकी का स्टॉक। तो दोस्तों मारुति सुजुकी में आपको मैं वीकली चार्ट करके दिखाना चाहूँगा। तो स्टॉक्स में जो पैटर्न बनते हैं उनका रूल यही है दोस्तों कि वो जो पैटर्न है आपको जितने बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाई देंगे उतना ही वो अच्छे से कामकाज करेगा। यानी आपको डेली टाइम फ्रेम से ज़्यादा अच्छा अगर ये वीकली चार्ट दिखाई देता तो और अच्छे से कामकाज करेगा। तो आपको ये जो चार्ट पैटर्न है बड़े टाइम फ्रेम पर देखने दोस्तों, और साथ ही में अगर छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 5 मिनट 15 मिनट पर पैटर्न्स बनते हैं तो आपको उनको इग्नोर करना है। ये है रूल नंबर वन, आपको चार्ट पैटर्न्स को बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है। तो अगर वीकली चार्ट पे कोई आपको एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न दिखाता है तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट या लॉन्ग करने की। आप देखोगे कि मारुति के स्टॉक ने कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2018 के अंदर एक टॉप बनाया था, ये काफ़ी लंबे से एक अप ट्रेंड के अंदर था, इसने यहाँ पे नीचे आया थोड़ा और दोबारा इसने एक कह लीजिए कि टॉप बनाया। जो दूसरा टॉप था एग्जैक्टली पहले वाले टॉप से इक्वल कह सकते हो या थोड़ा सा नीचे था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि इसने दोबारा इसी लेवल को रिजेक्शन मिला इसको यहाँ पे, और यहाँ से इसने कहीं ना कहीं एम पैटर्न की बनाने की शुरुआत करी। तो आप देखोगे कि इसको टाइम लगा, इसको लगभग 1.5 साल लगा, लेकिन ये वहाँ से करते 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 पूरा अपना जो इसका बॉटम था वहाँ तक आ गया। तो ये होता है एम पैटर्न दोस्तों, कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेगा लेकिन आपको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ जहाँ से आप ये सीख सकते हो। अभी हम दोस्तों एक पैटर्न और देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक देखते हैं दोस्तों। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक था अभी तो नीचे आ गया लगभग, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले जब 500 रुपये के ऊपर हुआ करता था तो 500 रुपये का लेवल इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करता था। तो आप देखोगे कि जब ये 500 रुपये के लेवल पे यहाँ पे आता था तो इसके अंदर वॉल्यूम्स कितनी अच्छी एमर्ज होती थी। आप देखो ये ग्रीन कैंडल्स कितनी अच्छी है वॉल्यूम्स वाली, तो यहाँ पे इसको हमेशा वॉल्यूम सपोर्टेड मूव मिलता था। तो आप देखोगे कि इसने यहाँ से एक दफ़ा बॉटम बनाया ऊपर गया और दूसरी दफ़ा ये यहाँ से वापस नीचे आया। जब ये दोबारा नीचे आया तो यहाँ पे अगेन इसके अंदर वॉल्यूम्स एमर्ज हुए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग या फिर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी, आपने यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक अपने जो नेक लाइन था उसको तोड़ने में नाकामयाब रहा, ऊपर गया वापस नाकामयाब रहा, तो ये नीचे आया। यहाँ पे आपको इसके लिए क्रिटिकल डिसीजन लेने का पॉइंट था, यहाँ पे अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर शार्प डाउन मूव जैसा कि आपको मैंने समझाया, और यहाँ से अगर ये ऊपर आता तो काफ़ी अच्छा अप मूव जो इस बार इस लेवल को भी तोड़ देता। तो आपने देखा कि इसने जो है कहीं ना कहीं अपने डबल बॉटम को फेल कर दिया, तोड़ दिया, तो इसके अंदर लगभग लगभग आप देखो कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है तो अब ये जो 500 रुपये का लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जब कोई भी स्टॉक डबल बॉटम इन पैटर्न्स को तोड़ देता है, फॉलो नहीं करता, तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा शार्प डाउन मूव देखने को मिलता है जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर निकलता है ट्रिपल बॉटम बनाता है तो फिर ये डेफिनेटली इस दफ़ा इस नेकलाइन को तोड़ के 600 रुपये के लेवल को तोड़ के और ऊपर चला जाता। आपको दोस्तों साथ में ये भी दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फेक मूव्स भी होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इसने इस लाइन के ऊपर एक कैंडल बनाई फिर ऊपर लेकिन टिक नहीं पाया। तो यहाँ पे आपको बेसिक प्राइस एक्शन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स कैसे हैं उसके अंदर और कहीं ना कहीं जो कैंडल्स ऊपर बन रही है उनका नेचर कैसा है। तो आपको कैंडल्स के कलर पर नहीं जाना, उनकी स्ट्रेंथ पर जाना। आपको दिखाई दे रहा होगा जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ गया तो देखो वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं। तो वॉल्यूम सबसे अच्छा आपको इंडिकेटर है कोई भी फेक मूव है या कह लीजिए कि रियल मूव है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी हम अगले रूल्स को सीखते हैं दोस्तों डबल टॉप डबल बॉटम के। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं HDFC का स्टॉक दिखाना चाहूँगा। तो HDFC का जो स्टॉक है दोस्तों आप देख रहे होंगे डाउन मूव के अंदर है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखाई देगा, एक टॉप ये दिखाई दे रहा होगा और एक टॉप आपको कहीं ना कहीं सेम लेवल पर ये दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप इसको डबल टॉप मान रहे हो तो आपको रूल्स को पता नहीं है, ये गलती है। डबल टॉप दोस्तों
तब होता है जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर हो और अप ट्रेंड के अंदर वो करेक्शन करे, फिर वापस ऊपर जाए और नीचे आए। ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी नेक लाइन है। अब देखोगे कि इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, एक बॉटम इसने यहाँ पे बनाया, एक बॉटम इसने यहाँ पे बनाया। तो अगर ये स्टॉक इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर निकलने की वेट करनी चाहिए, बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर यहाँ से रिएक्शन लेता है तो फिर नीचे आएगा तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन पर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको ये रिस्पेक्ट करता है या नहीं ये डिसाइड करेगा ये स्टॉक कैसा करेगा लॉन्ग टर्म में। अगर ये इसको डिसरिस्पेक्ट करता है डबल बॉटम को, तो जैसे हमने महिंद्रा में देखा ये वैसे ही बहुत बुरी तरह नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर ट्रिपल बॉटम पैटर्न काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, फिर ये ऊपर जाके अगली बार इस नेकलाइन को तोड़ देगा। अभी दोस्तों एक अगला आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा आईटीसी का। आप देखो कितने अच्छे से ये पैटर्न्स काम करते हैं, कितना अच्छा आपको रिटर्न ये जनरेट करके दे सकते हैं। अब देखोगे कि आईटीसी के अंदर 155-156 का जो लेवल था वो एक बॉटम का काम करता है। आपने देखा जब ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आया आईटीसी का, तो इसको 155-156 के आसपास कितनी अच्छी वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग मिली यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इन कैंडल्स में वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं, तो इसने अच्छा एक खासा एक अपमूव दिया। फिर इसकी दोस्तों एक नेक लाइन बन गई कहीं ना कहीं, आप मान लीजिए कि जो लेवल था 190 रुपये का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसने दोबारा वहाँ से कह लीजिए कि नीचे आया, क्योंकि उसको आना ही होता है अच्छा सस्टेनेबल अपमूव देने के लिए। तो दूसरी दफ़ा भी जब वो यहाँ पे नीचे आया तो उसको अगेन इसी लेवल पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग देखने को मिली। तो ये जो बाइंग होती है जब वॉल्यूम सपोर्टेड होती है तो कहीं ना कहीं वो आप कह लो कि एक अच्छा अपमूव दे सकती है। तो आप देखोगे कि उसने कहीं ना कहीं 190 के लेवल को दूसरी दफ़ा टेस्ट किया और अभी उसने एक ब्रेकआउट जैसा दिया है इस कैंडल के द्वारा। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसमें उसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये ब्रेकआउट रियल है, इसको आपको चेक करने के लिए इसकी वॉल्यूम्स और बाकी प्राइस एक्शन के रूल्स को देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो ये कहीं ना कहीं जो आईटीसी का स्टॉक है अभी इसने अपनी नेकलाइन को अगर तोड़ दिया है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो इसने गैप बनाया था इसको फिल करने के लिए जा रहा हो सकता है, 230-235 का ये लेवल आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि आईटीसी के स्टॉक में अभी रिसेंटली एक डबल बॉटम पैटर्न बना और इसने कहने की अपनी नेकलाइन को फिलहाल चार्ट कैसा दिख रहा है कि तोड़ दिया, बट आपको अभी भी कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स दो इसके ऊपर नहीं बनी हुई दिखाई। तो अभी आपको कंफर्मेशन की वेट करनी है या फिर आपको इन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम्स और डिलीवरी परसेंटेज कैसा है उनको चेक करना पड़ेगा। वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों, उसकी भी मैंने वीडियो जो है मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से सीख सकते हो। दोस्तों आपको अगला दिखाऊंगा मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज देखो दोस्तों अभी रिसेंटली जो है एक काफ़ी अच्छा इसने अपमूव दिया और उसके बाद आप देखो कि थोड़ा सा ही करेक्ट किया। तो अगर ये इसने ऊपर आया दोबारा, तो अगर ये इस लेवल के आसपास से वापस रिजेक्शन मिलता है, जैसे जो लेवल कहना कि 1610 रुपये का है, तो यहाँ पर एक डबल टॉप बन जाएगा इसके अंदर। दोस्तों डबल टॉप पैटर्न जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेली चार्ट पर बन रहे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न माना जाएगा। तो ये यहाँ से अगर नीचे आना चालू करेगा दोस्तों, तो इसको पहली दफ़ा इसको अपनी नेकलाइन पर सपोर्ट मिलेगा जो कि लेवल कहीं ना कहीं 1400 रुपये के आसपास है। अगर ये यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो ट्रिपल टॉप बना सकता है, अदरवाइज अगर इसको तोड़ देता है तो आपको फिर कहना कि मान के चलना पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक जो इसका बॉटम था, एम पैटर्न का शुरुआत थी, कहना कि 900 रुपये का जो लेवल है वहाँ तक आपको आता हुआ दिखाई दे देगा कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में। तो दोस्तों एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है जब कोई स्टॉक डबल बॉटम बनाता है, या तो आप वहाँ पे उसको बाइंग कर सकते हो या डबल टॉप बनाता है वहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हो। और अगर आप उसको मिस करते हो तो आपको बीच में कुछ नहीं करना, कहीं ना कहीं उसको फिर नेक लाइन के आसपास अपने बिहेवियर दिखाने की वेट करनी है। वहाँ से उसको अगर वो तोड़ के नीचे आता है तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट करना है, और वहाँ से सपोर्ट लेते हो कहीं ना कहीं लॉन्ग करना है। और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप काफ़ी अच्छे से ले सकते हो दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है कहीं ना कहीं एम पैटर्न बनाने की तैयारी में है। तो एम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक 900 रुपये तक आएगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, 100 में से 90% चांसेस है। तो आपको इसमें कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की वेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों मेरी एडवाइस है, कोई भी इसमें आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस वीडियो का डिस्क्लेमर भी यही है। दोस्तों हम एक लास्ट स्टॉक को और देखते हैं इस पैटर्न को अच्छे से सीखने के लिए। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा एलएनटी के स्टॉक का चार्ट मैंने आपके सामने खोला है। तो एलएनटी का जो स्टॉक है दोस्तों काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर कामकाज कर रहा है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टॉप बनाया और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टॉप बनाया। तो ऑल्दो ये एक डबल टॉप है, लेकिन हम इसको डबल टॉप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है ये तभी माना जाता है जब कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर हो, तो ये डबल टॉप नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कोई भी आप इसके अंदर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। और उसके अलावा आपको अगर इसके अंदर डबल बॉटम देखना था तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए था कि ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं वापस इस लेवल तक नीचे आए और यहाँ से दोबारा ऊपर जाए। तो अभी जो एलएनटी का स्टॉक है कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि हल्के से स्लाइटली बॉक्स या एक ऐसे अप ट्रेंडिंग चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं बनता। ये मैंने इसलिए खोला एग्जांपल ताकि आपको कहीं ना कहीं मैं समझा सकूं। उसके अलावा दोस्तों वॉल्यूम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको वॉल्यूम्स पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। अब फाइनली हमें सीखना बाकी रह गया सी पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है स्टॉक मार्केट का, और इसी पर डिपेंड करेगा आप कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाते हो। तो दोस्तों ये सी पैटर्न जो होता है, अगर आपको ये डबल टॉप डबल पैटर्न के जो मैंने रूल्स बताए ये नहीं मालूम, या फिर आप जो स्टॉक मार्केट के अंदर कामकाज कर रहे हो बिना लर्निंग के कर रहे हो, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सीख के करना चाहिए, बिना लर्निंग के कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा कैपिटल स्टॉक मार्केट खा जाएगी। काफ़ी डेंजरस होता है स्टॉक मार्केट में बिना सीखे कामकाज करना। तो दोस्तों जिन लोगों को रूल्स नहीं मालूम होते हैं, और जिन लोगों को कह लीजिए कि चार्ट पैटर्न्स हो गया, ट्रेडिंग के रूल्स हो गए, वॉल्यूम्स कैसे पता करते हैं वो सब नहीं मालूम है, उनको कोई भी पैटर्न जो दिखाई देगा वो सही से काम नहीं करेगा, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न काम करेगा, सी पैटर्न। तो उनका मार्केट
सी बना देती है और कहीं ना कहीं वहाँ से आपको सी कट जाएगा। तो इसलिए मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सी के ही कामकाज करें स्टॉक मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।